ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई इतने दिनों बाद आज कैमरा उठा के व्लॉग करके थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आई हैव बीन टू इंडिया, व्लॉग्स देखे होंगे और फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बिजी हो गए थे। एनीवेज तो अब थोड़ा टाइम मिला है, थोड़ी चीज़ें सॉर्ट हुई हैं, तो चलते हैं। और आज के वीडियो में हम बताने जाएंगे कि इंडियन रेस्टोरेंट्स और पब्स के बारे में, और जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मतलब अफोर्डेबल प्राइस में अपना इंडियन स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बहुत सारी मैं सारे रेस्टोरेंट्स में तो आज नहीं जा सकती, बट एक रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल शॉप काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ जाके खाते हैं और आपको भी बताते हैं, और बहुत सारी रिकमेंडेशंस मैं इसमें डाल दूंगी। डू चेक इट आउट। और कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो कि आपको वीडियोस वगैरह के भाई कुछ जानना हो, कुछ भी हो, तो भाई बताओ, आई मेक दैट वीडियो। और भाई पैक हो गए पूरे जा रहे, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। -1, -2, -3 रात को जाता है भाई, तो अपना पैक वैक होके जाओ भाई, बीमार नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि बीमार नहीं होना, बस नहीं होना, मेरा एक्सपीरियंस है नहीं होना। तो चलो चलते हैं, लॉक करते हैं। बहुत रेस्टोरेंट्स में गए थे खाने, कुछ कुछ बहुत महंगे भी हैं, बिल्कुल प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से आपको बुकिंग वगैरह करानी पड़ती है। बहुत रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, बट अभी हम अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग का होता है कि हमें सस्ता खाना है और इंडियन खाना महंगा। तो भाई जब आप देख लोगे कि ये वॉइस ओवर कहाँ से आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने जाना तो मिनी इंडिया था, वेस्टमोरलैंड पे एक है शॉप मिनी इंडिया, वहाँ पे आपको ग्रोसरीज भी मिल जाती है और सब कुछ मिल जाती है, और वहाँ पे चाय और समोसा चाट और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बट अभी हम यहाँ पे थे इंडियन टिफिन पे, बिकॉज हमें यहाँ पे खाना था, तो हमने यहाँ पे चाय मंगाई जो हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत ही बढ़िया थी यहाँ की चाय, आई थिंक 2.5। और ये थोड़े बहुत है डबलिन के नज़ारे, बिकॉज क्रिसमस चल रहा है, क्रिसमस वीक है, तो काफ़ी अच्छा सजा रखा है। तो अब हम दोबारा से अगले दिन थोड़े दिनों बाद गए आंध्रभवन, ये भवन, ये मालबोरो स्ट्रीट पे है, ये नया खुला है, और यहाँ पे नया अपनी चुस्की लेते हुए फ़िल्टर कॉफ़ी की, और फिर आपको बताती है कि कैसी उसको लगी। बढ़िया ही थी सब कुछ, बट मेरे को किसी को किसी रेस्टोरेंट के बारे में गलत और अच्छा नहीं बोलना, बट मैं उस दिन गई थी अपने रेस्टोरेंट में आंध्रा भवन में, तो बहुत अच्छा लगा। इस दिन जब गए थे तो थोड़ा कम लगा, और मैंने दोनों बार ही वीडियोस में खाना दिखाना भूल गई भाई, क्योंकि पता नहीं हमें जब भी जाते हैं हम एकदम पीक भूख के टाइम पे जाते हैं, और मैंने दोनों जगह ही खाना रिकॉर्ड नहीं करा। बट या टू चेक इट आउट माई इंस्टाग्राम में, उसमें अपडेट डालते रहते हो अगर हम कुछ अच्छा खाने कभी जाते हैं तो। और ये फिर सुंदर से नज़ारे आ गए। तो गाइस आपने नज़ारे भी देखे और खाने भी देखे, और खानों के साथ क्या क्या देखा, कुछ दिखाया नहीं भाई, इतनी भूख लगी थी कि ऐसे से बस दिए नहीं कि एक बार फोटो ही खींच लूँ। बट एनीवेज द फूड वाज रियली गुड, मेरे को पहली बार अच्छा लगा, इंडियन टिफिन का मेरे को हर बार अच्छा लगा है खाना, और मिनी इंडिया का भी अगर मैं कभी गई सो आई विल डेफिनेटली पुट ऑन माई इंस्टाग्राम सो दैट आप देख सकते हो। और यहाँ के प्राइजेस बहुत ही ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये साउथ इंडियन अगर किसी को खाना है तो 10-12-13 यूरो का डोसा है हर जगह। और जो मैंने इंडिया की बात करी थी, वहाँ पे यार तुमको 2.5 यूरो की चाय मिल जाएगी, आई थिंक 2.5 यूरो की है, और तुम 7-8 यूरो का, जैसे मैंने वो खाया था समोसा चाट खाया, रैप खाया, तो भाई वो बहुत मील परफेक्ट हो जाती है अगर तुम्हें इंडियन स्वाद भी लेना है, और उसमें पेट भी भर जाता है, लिटरली भर जाता है पेट। ठीक है, और भी बहुत जगह है, और फैंसी रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछोगे तो दो लाली है और पिकल है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट कहीं भी सर्च करो तुम्हें मिल जाएंगे अच्छे खासे। बट और तुम्हें अगर छोले भटूरे खाने हैं भाई, तो मैंने छोले भटूरे खाए थे ज्यूरेशिया करके है मार्केट एक डबलिन 22 में, वहाँ पे भी आई थिंक 12 यूरो की प्लेट है क्या है। सो ये काफ़ी सारी जगह हैं, और ऑब्वियसली यार
सस्ता तो क्या ही मिलेगा इंडियन खाना, बट हाँ स्टिल थोड़ा सा ठीक ठाक है। और अगर जैसे होता है कि हमें ये खाना वो खाना है कि भाई इतना महंगा नहीं खाना, तो यहाँ पे सर्कल के और सेंट्रास और इन पे डेली होती है, लाइव सैंडविचेस बनते हैं। सो वहाँ पे तुम ब्रेड नहीं खानी तो रैप में सब्जी वब्जियाँ डला लो अगर कोई वेज है तो, और उसको चीज़ वीज डला के, सो दैट विल बी अराउंड 3 और मैक्सिमम 4 यूरोज, तो वो भी आपका अच्छा सा पेट भर देती है। सब जगह यार खाने के, और पब्स वगैरह है, और पब्स वगैरह क्लब्स के बारे में बताओ भाई। देखो इंडियन जो भी आता है यहाँ पे सबसे पहले आके जाता है डाइसीज, ठीक है, तो तुम भी चले जाना। और डाइसीज में बहुत सारी बॉलीवुड नाइट्स भी होती है, और इनफैक्ट हर क्लब जो अब यहाँ के हैं वो ख़त्म होने के बाद एक हिंदी सॉन्ग बजाते हैं, बट देर आर अ लॉट ऑफ इवेंट्स और बहुत सारी एक बॉलीवुड नाइट्स होती हैं। तुम आई थिंक इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और जाके देखो, तुम जा सकते हो, मोस्टली डाइसिस में होती है। और बीइंग अबाउट पब्स, मैं एक पब में गई थी, लकी डक कर गया, बिकॉज वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे इंडियन थोड़ा खाना था, कुछ आलू आलू की चाट चूट थी, तो बहुत अच्छा था। बाकी यार हर गली नुक्कड़ में, आयरलैंड इज़ नोन फॉर इट्स पब एंड क्लब कल्चर, हर गली नुक्कड़ में आपको पब्स मिल जाएंगे। पब्स में कोई भी ड्रिंक होती है वो 5-6 यूरो से ही स्टार्ट होती है, सो इट्स नॉट चीप, ठीक है। तो बाकी क्लब्स यार बहुत सारे हैं, डाइसीज है तुम्हारा, अकेडमी है, लाइट रूम है, रिवर बार है, कैमडन है, बहुत सारे हैं क्लब्स। मेरे को जो मेन में ये पता है वो है पब्स, दे आर अलॉट मैनी, मतलब तुम बाहर निकलोगे तुम्हारे थोड़ा सा मेन रोड आ जाएगा वहाँ पे तुम्हें पब मिल जाएगा। सो ठीक है, बाकी आई डोंट वांट टू पुट माय क्लिप्स ऑफ पब्स एंड क्लब्स देयर, नो अ बिग नो, और कुछ है भी नहीं मतलब। सो बट एनीवेज, तुम्हें अगर कल्चर देखना है कैसे होता है क्या होता है, तो भाई पब में भी क्लब में भी सारा अंधेरा होता है, तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है। अगर कोई भी आ रहा है आके भाई खुद एक्सपीरियंस करो, इट्स नाइट, कभी स्पेनिश नाइट होती है, मैक्सिकन नाइट होती है, सो मज़ा आता है भाई, चाहे अंग्रेजी गानों में नाच रहे हो बट वाइब ऐसी होती है कि मज़ा आ जाता है, मेरी बात मान लो, ठीक है। और बहुत सारे है यहाँ पे, और जैसे आओगे वैसे वैसे पता लगेगा, अभी बहुत सारे नए खुल भी रहे हैं, जैसे आंध्रा भवन नया खुला है, एक मैंने हैदराबादी किचन देखा है, तो देर आर बहुत सारे खुल चुके हैं, खुल रहे हैं। और हाँ, स्पेशल मेंशन है एक दिल्ली टू डबलिन करके है, दीज गाइज लगाते हैं, उनका कोई ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, बट यू कैन डू चेक इट ऑन द इंस्टाग्राम, इट्स दिल्ली टू डबलिन, एंड वो फैमिली बहुत अच्छा खाना बनाती है, द आंटी बेक्स बेस्ट परांठाज एंड कड़ी चावल, छोले चावल एंड सब चीज़ें मिलते हैं, ब्रेड पकौड़ा, तो वो लोग लाइक ऑन द मूर स्ट्रीट और टेम्पल बार स्ट्रीट में वो हर कुछ कुछ दिन लगाते हैं, और कोई कोई स्ट्रीट्स पे लगाते हैं, तो उनका जाके देखो, उनका खाना भी सही है, मतलब आप पेट भर के और आपको इंडियन स्वाद मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, तो जाके देख लेना और मस्त इंजॉय कर। और कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो भाई खाने की थोड़ी दिक्कत होगी आपको, ओबियसली यहाँ का खाना बहुत ब्लैंक है, आपको दिक्कत होगी, ओबियसली इंडियन जो राशन होता है वो बहुत महंगा होता है, बट स्टिल आपको जैसे कि इंडिया में होता है कि हाँ भाई चलो गोलगप्पे खा लिए, ये खा लिए, तो वो सब नहीं मिलेगा आपको, पर्टिकुलर शॉप्स पे जाके पूरा डाइन इन करके और थोड़ा वैसा खाना पड़ेगा। वो मज़ा नहीं है कि हम रोड पे खड़े होके खाए, बिकॉज वो ऐसा नहीं कर सकते, रोड पे खड़े होकर आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, वही बहुत है। बट हाँ, और रही बात चाय कॉफ़ी की, चाय बहुत सारे इंटरनेशनल में मिल जाती है, बट मैंने एक ट्राई करी थी बटलर्स पे, स्ट्रॉन्ग चाय लाटे, ठीक है भाई, वो बिल्कुल मसाला टी की तरह लगती है, तो किसी को अगर कहीं चाय चुई नहीं मिल रही हो ना, क्योंकि इंडियन स्टोर्स में कहाँ जाए, दूर है बटलर्स, बहुत जगह होता है, तो चाय लाटे मिलती है वहाँ पर, उनको बोलो कि मुझे स्ट्रॉन्ग चाय लाटे देना, ठीक है, और वो बिल्कुल मसाला टी की तरह तुम्हें स्वाद आ जाएगा, ठीक है। सो एनीवेज गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, आई नो बहुत छोटा व्लॉग था, एंड प्लीज़ लाइक डू कमेंट कि आपको किस तरीके के चाहिए टॉपिक, एंड मैं भी वीडियोस लाने की कोशिश कर रही हूँ, बट डू टेल मी कि आप लोग क्या चाह रहे हो, क्या चाहते हो। एंड मैंने एक ग्रुप बना है, टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो इसलिए है जो कि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं एंड वो किसी को यहाँ पे जानते नहीं है, तो वो
नए स्टूडेंट उसमें ज्वाइन अप कर सकते हैं एंड दे कैन मैसेज की आई एम कमिंग हेयर, आई एम कमिंग इन दिस कॉलेज, और मैं यहाँ पे आ रही हूँ, आ रहा हूँ, जो भी है. और आप कॉमन एक फ्रेंड्स मिल जाओ कि सेम कोर्स, सेम बैच एंड सेम कॉलेज एंड एवरीथिंग. सो आप लोग के पास एक फ्रेंड और एक कोई हो जाएगा नोन में, सो दैट. और कुछ भी हो, प्लीज़ अपनी क्वेरी अगर कुछ हो तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं जल्दी रिएक्ट करती हूँ. यहाँ पे मे बी स्लो वीडियोज़ आती होंगी, और वीडियो भी कितनी लंबी बनाए ना, बट हाँ. सो डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो दैट यू नो व्हेन द नेक्स्ट व्लॉग इज लाइव. थैंक यू, बाय बाय, चीयर्स.